गाइस, मेरा नाम है शुभिनोय सरकार और आप देख रहे हो द स्पेक्टेकल बीस्ट 25। तो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, ये बहुत ही ऑन डिमांड टॉपिक है एंड यार मुझे लगता है कि इसके ऊपर ना एक वीडियो तो बनना ही चाहिए। तो एक्चुअली गाइस, मेरे ऐसे कई सारे क्रिएटर दोस्त हैं जो कि मुझे पूछ रहे हैं कि यार तेरी जो ये थंबनेल की क्वालिटीज़ हैं, तेरी जो ये वीडियो का क्वालिटी है, वो हमसे इतना बेहतरीन क्यों है। तो हमें बता, क्या तू इस्तेमाल करता है, क्या सब कुछ माल मसाला इस्तेमाल करता है अपनी सारे वीडियोज़ को शूट करने के लिए। तो भाई यार, मैं ना इनको जवाब दे देते थक गया एंड मुझे लगता है कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए कि मैं कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से सॉफ्टवेयर्स और क्या क्या सेटिंग्स का इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियोज़ को शूट करने के लिए। तो चलो इस वीडियो में आज उन सारी चीज़ों के बारे में शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं ताकि सबको पता चल जाए। तो चलो पहले शुरू करते हैं मेरे वीडियो शूटिंग इक्विपमेंट से। तो देखो, मैं जिस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता हूँ वो है मेरा सैमसंग गैलेक्सी M31, जो कि ऑलमोस्ट 2 साल पुराना स्मार्टफोन है एंड इसका जो उस टाइम प्राइस था वो था 16,500 रुपये। हाँ, मैं स्मार्टफोन से शूट करता हूँ, मेरे पास कोई DSLR नहीं है, ना ही कोई मिररलेस कैमरा है, मैं स्मार्टफोन से ही वीडियो शूट करता हूँ। और साउंड के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ बोया M1 माइक, जो कि ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स एट द बिगिनिंग इस्तेमाल करते हैं। लाइटिंग के लिए मैं ऑब्वियसली रिंग लाइट का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि काफ़ी सस्ता है। एक रिंग लाइट मेरा है और दूसरा जॉयदीप का है, जो कि मेरा दोस्त है, वो पहले टिकटॉकर था बट अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक बैंड हो गया है। तो चलो, ये तो हो गए मेरे लाइटिंग। अब बात करते हैं मेरे जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है मेरे पास, वो मेरा गिम्बल है, जो कि मिनी मोजा MX गिम्बल है एंड वो उस टाइम आई थिंक हो गया है 1 साल, मैंने शायद 4,000 रुपये से इसको ख़रीदा था एंड इट इज़ क्वाइट गुड। आप अगर मेरे विलेज के व्लॉग्स देखते होंगे जिसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी होती है, जो कि काफ़ी सिनेमैटिक होती है, उन सारे वीडियोज़ में मैंने अपने गिम्बल का इस्तेमाल किया था। वैसे ज़्यादातर करता नहीं हूँ और आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और एडिटिंग के लिए मैं पहले स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल करता था बट रिसेंटली मैं शिफ्ट हो चुका हूँ अपने PC में, जो कि ठीक ठाक PC है एंड इसमें फिल्मोरा X आराम से चल जाती हैं। तो अब बात करते हैं मेरे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो पहले मैं जब स्मार्टफोन में एडिट करता था तो वहाँ पर मैं इस्तेमाल करता था काइन मास्टर और VN, एंड ये दो ऐप्स सफिशियंट है स्मार्टफोन में आपकी वीडियोज़ को अच्छी तरीके से एडिट करने के लिए। एंड मैं थंबनेल्स को एडिट करने के लिए, थंबनेल की जो फ़ोटो होती है उसको एडिट करने के लिए, मैं स्नैपसीड और लाइटरूम का इस्तेमाल करता हूँ। एंड हाँ, अगर मुझे थंबनेल को बनाना होता है जिसमें टेक्स्ट, PNG, लोगो ये सब कुछ ऐड करना होता है ना, तो मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ ऑल इन वन Pixel Lab। Pixel Lab बहुत ही बढ़िया ऐप है, अगर आप इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करना जानते हो ना, देन इट्स फैंटास्टिक। आपको इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से आना चाहिए, तब आप इसकी सारी पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरा जो YouTube का चैनल बैनर है ना और जो मेरा लोगो है वो मैंने पूरा स्मार्टफोन में क्रिएट किया है, कोई Adobe Photoshop का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, पूरा स्मार्टफोन में मैंने क्रिएट किया एंड वो मैंने क्रिएट किया Pixel Lab एप्लीकेशन में, जो कि आप भी क्रिएट कर सकते हो, बस आपको ठीक तरीके से आना चाहिए। YouTube में इसके कई सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, इसको देखो, सीखो और उसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करो। और PC में क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो वो मैंने पहले ही बता दिया, फिल्मोरा X। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक बोनस टिप देने वाला हूँ और वो टिप ये है कि मेरा वीडियो एक्सपोर्ट सेटिंग। देखो, मेरा वीडियो एक्सपोर्ट का जो सेटिंग होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, 1080p 30 fps। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूँ और वो है बिटरेट। बिटरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, मैं जल्द से जल्द बता देता हूँ कि मैं कौन सा बिटरेट, मतलब कितना बिटरेट का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं 1080p 30 fps में शूट करता हूँ और उसके लिए मैं सेटिंग्स में बिटरेट रखता हूँ 10 Mbps या फिर 10,000 kbps। जी हाँ, मैं उतना ही रखता हूँ। अगर आप 4K में 60 fps या फिर 1080p 60 fps में शूट करते हो तो उसका बिटरेट कितना रखना चाहिए वो गूगल में सर्च कर लेना। बिटरेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिटरेट ज़्यादा होगा तो वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा होगी, लेकिन यूट्यूब क्या करेगा, उसी क्वालिटी को डाउनग्रेड करके बहुत ही मतलब घटिया सा क्वालिटी यूट्यूब आपको कहता है अपलोड करके दिखा देता है एंड उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं होती है। इसलिए आपको बिटरेट काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी एक्यूरेट लगाना होता है, आप कौन से रेजोल्यूशन और फ्रेम में आप शूट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके। इसलिए बिटरेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान
हमेशा रखना, नहीं तो वीडियो की क्वालिटी काफ़ी घटिया आएगी। कितना भी DSLR और फिर कैमरा से शूट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइज। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा, बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो यार प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज योर सिंगल सब्सक्रिप्शन गिव्स मी ह्यूज मोटिवेशन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, लव यू गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।